Assalamualaikum. Now we are going to start chapter number four. Let me tell you before I start this chapter that we have spent a lot of time by studying Newton's laws of motion, in which we have seen that these laws are applicable almost in everyday life. For example, हमने इस बुक से लेके कार्स की movement तक और फिर वहाँ से rocket के launch होने तक में Newton's laws के significance को देखा और किसी body के ऊपर force लगाने से लेकर किसी body का हमारे ऊपर force लगाने तक में इनकी significance को observe किया. यानी स्टडी ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम काफी डीप देख चुके हैं एंड वी नो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसको डेमोस्ट्रेट करने में डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है डायरेक्शन को समझने के लिए देखें फॉर एग्जाम्पल इस टेबल पर यह तीन चीजें पड़ी हैं और इन तीनों में कॉमन ये है कि तीनों की डायरेक्शन सेम है आई मीन वेट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और तीनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसी तरह की फोर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो आई I मीन mean एक दूसरे के पैरेलल हो इसके ऑपोजिट मैनर में डिफाइन किया जाता है लाइक द फोर्स आर पैरल बट हैव डायरेक्शन ओपोजिट टू इच अदर अनलाइकल फोर्स एग्जाम्पल कुछ इस तरह की अगर हम एक एपल को एक स्टैंड से एक स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हैंग कर दें देन उसमें जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी आई I मीन mean, वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेर एक्सटेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी अच्छा वैसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के जरिए ना हम बॉडी को रोटेट भी करवा सकते हैं लाइक अगर फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हों बट वो सेम लाइन में एक्ट ना कर रही हो तो इससे बॉडी रोटेट हो जाएगी एंड देन हम इस कॉन्सेप्ट को अपने आने वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि लाइक पैरल फोर्सेज में फोर्सेज का पैरल होने के साथ साथ सेम डायरेक्शन में होना भी जरूरी है और जबकि अनलाइक पैरल फोर्सेज में पैरल तो होंगी बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगी एंड आई होप कि इस सेंटेंस के बाद आपको लाइक पैरल फोर्सेज और अनलाइक पैरल फोर्सेज का डिफरेंस समझ आ गया होगा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एडिशन ऑफ फोर्सेज को स्टडी करेंगे